बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेशन में हम लोगों ने लिस्ट कंक्लूड की थी, फ्लैट लिस्ट, ट्रॉल व्यू क्या है, और उसके बाद सेक्शन लिस्ट तक हम आ गए थे। सेक्शन लिस्ट जिसमें हमारे पास एक कस्टम हेडर होता है, और इसके अलावा आइटम सेपरेटर, फिर हर आइटम रेंडर करने के लिए एक फंक्शन। तो ये हमने डिटेल में देखा था, ये वही कोड बेस है जहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे इमेजेस, हाउ टू वर्क विद इमेजेस। देखिए, इमेजेस जस्ट लाइक कोई भी वेब एप्लीकेशन है या इवन रिएक्ट की एप्लीकेशन है, आप एक इमेज कंपोनेंट यूज करते हैं, उसका टैग है इमेज टैग, उसके अंदर आप सोर्स फाइल अटैच करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, जस्ट लाइक एनी अदर कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन इसमें चंद एक चीजें हैं जो बताने वाली हैं, जिनका अपने आपको ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले हम एक बिल्कुल ही बेसिक सी एग्जांपल करते हैं। एक इमेज, सब कुछ हम रिमूव करके सिर्फ एक इमेज डिस्प्ले करेंगे अपने मेन कंटेनर में। तो इन सबको मैं सेक्शन लिस्ट को यहाँ कमेंट आउट करता हूँ, और रन npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट। और एक मुझे विंडो ओपन करनी है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की, और ये सी अभी तो बिल्कुल एम्प्टी है कि मैं कमेंट आउट कर चुका हूँ कोड। और फिलहाल हम एक सबसे बेसिक एग्जांपल देखेंगे इमेज की, इमेज रिएक्ट नेटिव, और तो क्लोज। यहाँ पे इमेज इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक। और यहाँ मैं दो चीजें सप्लाई करूंगा, पहली पहली बात तो सोर्स, और सोर्स के अंदर हम ऑब्वियसली यूआरएल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप अनलाइक वेब, वेब के अंदर आप यूजुअली ये करते हैं ना, MG SRC, और डायरेक्ट आपने HTTP जो भी है, या आपने लोकल किसी माई इमेज डॉट JPG लोकल रिसोर्स का आपने पाथ दे दिया और वो इमेज रेंडर हो गई। रिएक्ट नेटिव में काम करते हुए ये याद, ये आपने जहन में रखना है, सोर्स आप अटैच करते हैं विद रिक्वायर फंक्शन, ठीक है। देखें, ये रिक्वायर फंक्शन इज जस्ट लाइक इम्पोर्ट, जावास्क्रिप्ट ES6 का ये आप कह सकते हैं क्लीनर इक्विवेलेंट है। तो ये रिसोर्सेज को आपके जावास्क्रिप्ट में रिसोर्सेज और मॉड्यूल्स को लोड करने का काम आता है, इट्स जस्ट लाइक एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो बहरहाल आप लिखेंगे रिक्वायर, और इसके अंदर पाथ प्रोवाइड करेंगे जो भी आपका, जो भी आपकी इमेज है उसका, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसेट्स में हम कोई इमेज सर्च करके पहले यहाँ पे कोई इमेज हम लोग डाउनलोड करते हैं, दिस वन, ठीक है। आई एम सेइंग सेव इमेज एज, और एप्लीकेशन कहाँ है मेरी, बाहम एसेट्स, और यहाँ मैंने कह दिया टेस्ला JPG, ठीक है। तो एसेट्स में मेरे पास एक टेस्ला डॉट जेपीजी आ गई, यहाँ मैंने डॉट स्लैश एसेट्स टेस्ला डॉट जेपीजी पाथ प्रोवाइड किया, सेव किया, और यहाँ आप देख सकते हैं रेंडर हुई है, चूंकि मैंने अभी रिसाइज वगैरह कुछ भी नहीं, इसको स्टाइल प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए वो पूरा इमेज इस तरह से आ रहा है। तो उस तरफ हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये रिक्वायर फंक्शन है।
देखें ये लिखना जरूरी क्यों है, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिएक्ट नेटिव की एक अच्छी बात ये है कि ये इमेज जब लोड कर रहा होता है तो इमेज की डीकोडिंग का जो प्रोसेस है वो एक अलग थ्रेड में होता है, उस थ्रेड में नहीं हो रहा होता जहां पे कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं। इसका फायदा यह है कि कंपोनेंट्स अपने तौर पे रेंडर होते रहे, अगर कोई इमेज बहुत बड़ा है उसकी डिकोडिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो बेशक उस इमेज का पार्ट आहिस्ता आहिस्ता लोड हो जाए जब भी उसका टाइम कंप्लीट हो, उसकी वजह से बाकी आपकी पूरी एप्लीकेशन स्लो ना हो, तो इस वजह से आपको ये रिक्वायर लिखना पड़ता है। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्चुअल बात थी। रिक्वायर आपने यूज करना है बिकॉज ये हर इमेज आपकी एक अलग थ्रेड में डिकोड हो रहा होता है। अच्छा दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, ये आप देख सकते हैं इसका साइज किस तरह से आ रहा है। एक प्रॉपर्टी है रिसाइज मोड, ठीक, यहां आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है कि रिसाइज किस किस तरह करना है आपने। देखें एक है सेंटर, कंटेन, कवर, रिपीट, स्ट्रेच, ये आपके पास ऑप्शंस हैं पांच। लेट्स सी बारी बारी। सेंटर आपकी जो इमेज है उसको सेंट्रलाइज करेगा। नो व्हाट हैपेंड, लेट्स रिफ्रेश इट। हाँ सॉरी, ये मैं लिख रहा हूं, ये आपने सारे एट्रीब्यूट्स देने स्टाइल के अंदर, स्टाइल में आपने डिफाइन करना है रिसाइज मोड क्या है, विड्थ क्या है। तो रिसाइज मोड मैंने दे दिया सेंटर, ठीक है, और इसके अलावा मैं कोई विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ से 300 पिक्सल्स हाइट, 300 पिक्सल्स और रिसाइज मोड, ठीक है। नाउ यू कैन सी वी हैव सम ऑप्शंस, ठीक है, कंटेन और कवर, इन दोनों में फर्क क्या है, इट्स डिस्कस। अगर मैं इस विड्थ को हटा देता हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं सिर्फ छोड़ता हूँ हाइट, ठीक, और मैंने कहा कि इमेज कवर कर दो, तो इसका मतलब यह है कि जो विंडो है यहां से लेके ये जो पूरी विंडो है इसके अंदर वो इमेज अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन में शो करवाएगा जितना भी इमेज शो हो सकता है, ठीक है, हमने यहाँ सिर्फ हाइट लिमिट की है। अच्छा अगर मैं यहाँ कहता हूँ कंटेन तो अब डिफरेंस क्या आएगा, लेट्स रीलोड, तो यहाँ मुझे विड्थ से देनी पड़ेगी। नाउ ये स्टाइलिंग की बात है, कहाँ पुट करनी है इमेज, कहाँ नहीं करनी है, लेकिन अब अभी जो देखने वाली बात यह कि मैंने इसको विड्थ दी 300, 300 पिक्सल्स के अंदर उसने कंटेन कर दी है इमेज, ठीक, और जनरली हम डिफाइन ऐसे ही करते हैं, विड्थ दी है, विड्थ प्रोवाइड की, हाइट प्रोवाइड की, उसी के अंदर हमें शो करवाना होता है इमेज को, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेच का ऑप्शन है, स्ट्रेच में आप देख सकते हैं कि जो हमें विड बताई है उसी में ड्रैग भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं इमेज को, यानी अगर मैं यहाँ पे लेट्स रिमूव विड्थ, ठीक है, सिर्फ हाइट की बात करूँ तो उसने इमेज स्ट्रेस कर दी है इन ऑर्डर टू फिट अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन में। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ रिपीट, तो अगर ये बहुत छोटा इमेज है तो बार बार रिपीट होता रहेगा डिपेंडिंग, वो जब तक इमेज फुल नहीं हो जाता। इनफैक्ट मैं अगर कोई और फेविकॉन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ फेविकॉन डॉट PNG एज एन एग्जाम्पल। अब ये देखें कि हाइट 300 में उसने रिपीट कर करके जब तक 300 हाइट अचीव नहीं हो गई, ओरिजिनल रेजोल्यूशन की इमेज उसने रिएक्ट नेटिव ने
रिपीट कर दिया, ठीक है। तो बारन ये ऐसे याद रहती भी नहीं है सारी, आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है ऑलवेज, बट ज्यादातर हम यूज करते हैं कंटेन और कवर। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा विड्थ और हाइट डिफाइन करें। हम 200 बाय 200 पिक्सल्स के अंदर इसको कंटेन करते हैं, और इस तरह से आप इमेजेस को इंश्योर करें कि जो भी विंडो है आपकी उसमें इमेज पूरा आ रहा हो, कहीं से कट ना रहा हो, ठीक। एनीवे ये हमने एक सिर्फ एग्जांपल देखी थी कि एक इमेज हम किस तरह से रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लेते हैं, हमें अपने बाहम के केस में क्या करना है। यहां से मैं रिमूव कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारे ये है कि जितने भी हमारे पास कार्स हैं, ठीक है, होंडा सिटी, होंडा सिविक, इन सब का हमारे पास कोई एक इमेज हो, हर कार का एक एक इमेज हो, ताकि जो हम सेक्शन लिस्ट में रेंडर करवा रहे हैं सारी कार्स, मैं दोबारा सेक्शन लिस्ट एनेबल कर रहा हूँ, सेक्शन लिस्ट मेरे पास या आ गई दोबारा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर कार के साथ उसका इमेज आ रहा हो, ठीक। तो उसके लिए पहली पहले हमने क्या करना है, यहाँ मैं एक इमेज अंडरस्कोर यूआरएल के नाम से एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, और यहीं पे मैंने रिक्वायर, देखें आप अपनी प्रैक्टिस बना रहे, जहां पे भी आप इमेज का यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं वो रिक्वायर के फंक्शन के अंदर ही इंक्लोज करें, ठीक है। तो यहीं पे मैं वो इमेज प्रोवाइड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अभी टेस्ला का इमेज दे रहा हूँ, और स्लैश एसेट्स स्लैश टेस्ला, ठीक है, डॉट जेपीजी। तो मैंने सिर्फ टेस्ला का इमेज दिया, और यही मैं हर पूरे अपने ऑब्जेक्ट में कॉपी करूंगा, सही है। सही, जब भी मेरा कोई इमेज रेंडर हो रहा हो, मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ला डॉट जे पी जे, टेस्ला का जो इमेज है वो टेक्स्ट के साथ आ जाए, ठीक। एक्चुअली मैं काम अभी ये करूंगा कि मैं वीडियो पॉज करके एक एसेट्स में सारी जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उन सब के अगेंस्ट एक आध पिक्चर डाउनलोड करके इंटरनेट से अटैच करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल मौजूद हो। तो लेट्स डू दिस नाउ। ओके, तो एज यू कैन सी मैंने सारी जो मॉडल्स थे व्हीकल्स के लिस्टेड उन सब के अगेंस्ट इमेजेस इंटरनेट से कलेक्ट करके एसेट्स के अंदर स्टोर किए, और यहाँ पे एसोसिएट कर दिया अपने जो मेन एरे था ऑल व्हीकल्स का उसके साथ। अच्छा, साथ मैंने एक और भी काम किया है जस्ट टू मेक यूआई अ बिट बेटर। ये आप देख रहे हैं आइकन अंडरस्कोर ऑटो रिक्शा, जेनेरिक कार, हैचबैक, हाई रूफ। तो ये मैं आइकन्स यूज करूंगा जब भी कैटेगरी चेंज हो रही होगी, यानी टाइप चेंज हो रही होगी व्हीकल की। तो अब हम देखेंगे इसको करना कैसे। देखें, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में डेटा के अंदर हर रो में इमेज यूआरएल आ गई हमारे पास, ठीक। अभी फिलहाल हम वो एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे, इमेज यूआरएल नहीं एग्जिस्ट करती तो क्या करना है। वी आर अज्यूमिंग कि सारे इमेज हर कार मॉडल के लिए हमारे पास एक इमेज मौजूद है। इनफैक्ट जहाँ नहीं थी तो वहां मैंने एक जेनेरिक सा अननोन मोटरसाइकिल के नाम से दो इमेजेस अटैच कर दिए, और वो भी आप देख लेंगे एग्जाम्पल्स। अभी हमने क्या करना है, हम जाते हैं अपने रेंडर व्हीकल मॉडल आइटम की तरफ, ठीक। ये जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ये इनपुट ले रहा है आइटम, ठीक है, हमें इसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी अब। और मॉडिफिकेशन क्या करनी है, मैं यहाँ कहूंगा कि स्टाइल, पहली बात तो सबसे पहले
एक काम मैं करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये मैं कर देता हूँ रो, क्यों ये अभी बताता हूँ मैं। इसके अलावा आइटम्स को अलाइन कर देता हूँ, सॉरी लाइन आइटम्स, बेस लाइन स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट पहले इमेज आए, उसके बाद एक, उसके बाद उसका जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट है वो शो हो जाए। तो इमेज टैग अगेन, और इमेज में मेरे पास स्टाइल है, ये ऑब्वियसली एक आप चाहें तो डिफाइन कर दें इसका इमेज का स्टाइल भी नीचे, लेकिन मैं फिलहाल इसको जस्ट टू स्पीड अप थिंग्स विथ 100 पिक्सल्स हाइट भी यही दे रहा हूँ मैं, 100 पिक्सल्स। और रिसाइज मोड, रिसाइज मोड हम क्या रखेंगे, हमें या तो कंटेन करना है, कवर कवर करना है, ठीक है। अच्छा दिस इज वन, और दूसरा हमें क्या पास करना है, सोर्स। सोर्स में अब मुझे रिक्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं ऑब्जेक्ट अपना डिफाइन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, इट ऑलरेडी कंटेन्स इट, ठीक। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, आइटम डॉट इमेज यूआरएल, सही है। इसके अलावा टेक्स्ट को भी मेरे ख्याल में कोई स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल सपोज टू इसका हम नाम रखते हैं स्टाइल्स डॉट मेन्यू आइटम, ठीक है। और मेन्यू आइटम है हमारे पास, ये सेट क्यों नहीं किया था, खैर एनीवे थोड़ा सा साइज का बड़ा देते हैं, 20 कर लेते हैं। और यहाँ अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन पे क्या फर्क पड़ा है इसकी, इफ पी लोड, गोइंग बैक टू योर एप्लीकेशन, ओके। अब आप देख सकते हैं जितनी मेरे पास कार्स थी वो डिस्प्ले, उनके आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं, जहाँ नहीं था, जहाँ कार का आइकन नहीं था वहां मैंने एक अननोन इमेज डिस्प्ले करवाया। सेम गोज विद मोटरसाइकिल्स एंड ऑल द व्हीकल्स, ठीक है। अलबत्ता एक काम है, इसको मुझे कवर नहीं करना है, इसको मुझे करना है कंटेन, हाँ कंटेन करना है, ताकि सारी मेरे पास व्हीकल्स नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्या किया जाए, स्ट्रेच ऑलवेज लाइक हिट एंड ट्रायल, नहीं स्ट्रेच तो बहुत बुरा हो गया, तो मैं कवर ही छोड़ देता हूँ, कम से कम उससे तो अच्छा लग रहा है। ठीक है ओके। और एक चीज और है, यहाँ जो हमारी कैटेगरी चेंज हो रही है, सिडान हैचबैक, इसको थोड़ा सा मुझे स्टाइल देना चाहिए। मैं सेक्शन हेडर पे आता हूँ, और इसको भी कोई टेक्स्ट इसको स्टाइल देता हूँ मैं, स्टाइल क्या नाम दें इसको, मेन्यू हेडर, स्टाइल डॉट मेन्यू हेडर, अभी है नहीं वो, डिफाइन कर देते हैं मेन्यू आइटम के ऊपर होना चाहिए इसको, हेडर पहले आ रहा है। ये छोटी छोटी कोड कन्वेंशंस हैं, बेहतर है कि इसको याद रखें। और हेडर में हमें क्या देना है, टेक्स्ट मार्जिन फुट, ये चलिए ये से कॉपी कर देते हैं। साइज इसका सिर्फ थोड़ा डिफरेंट होगा, हम मरून की जगह नेवी कर लेते हैं, नेवी ब्लू, और फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं 24 कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 22। तो नाउ लेट्स सी मेन्यू हेडर हमारे पास, हाँ हैचबैक सीडान एंड सो ऑन, सही है। तो यहाँ देखने, यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी व्हीकल्स थे उनके हमने इमेजेस अटैच करवा दिए। एक काम मैंने और करना था, वो ये कि ये जब
चेंज हो रहा है, सीडान है, ठीक है, सीडान के साथ मैं चाह रहा हूँ सीडान का एक आइकन दिखाई दे, जैसा सीडान होती है, हैचपैक वगैरह। तो आइकन्स भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे, मैंने आपको बताया था। तो लेट्स नाउ अटैच दोज आइटम्स, ठीक है। अच्छा, ये काम हम क्या कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे हमारा हेडर है, यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, यहीं पे ये काम करना है। तो मैं यहाँ करूंगा क्या, टेक्स्ट तो अब अकेला नहीं रहेगा ना, एक दो दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो मैं व्यू डिफाइन करूंगा एक ऑब्वियसली, और इस व्यू के अंदर टेक्स्ट है, उसके बाद एक इमेज आ रहा होगा, और इसको भी मैं स्टाइल दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। सबसे पहले तो एक ही रो में आना चाहिए, राइट। और अलाइन आइटम्स मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक। और नाउ वी हैव टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद मुझे चाहिए इमेज। इमेज में स्टाइल इज समथिंग एंड सोर्सेस इज ऑल्सो समथिंग। अच्छा, स्टाइल पहले तो मैं स्टाइल दे देता हूँ उसको, सिंपली हमें आइकन शो करवाना है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा वो, 50-50 रखते हैं हाइट, और रिसाइज मोड कर लेते हैं इसका, कटेन अगेन, ठीक है। सोर्स कोड में मैंने कहा रिक्वायर व्हाट, एसेट्स स्लैश कौन सा आइकन। अब अगर मैं कार की बात करता हूं तो आइकन अंडरस्कोर सीडान या व्हाट, पीएनजी है सारे, ठीक है। लेट्स सी, यस, अब आप देख सकते हैं सीडान के आगे सीडान का सिंबल आ गया, एंड सो ऑन, जहां पे भी अच्छा लग रहा है। पहले अगर ऐसा लग रहा है कि इमेज पहले आना चाहिए तो वो कर लेते हैं, तो वो इतना ही बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू यहाँ पे क्या है कि हर टाइप के अगेंस्ट सीडान का सिंबल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें करना क्या होगा, सिंपली कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक फंक्शन प्रोवाइड पास कर दें, गेट आइकन यूआरएल, ठीक है, और ये फंक्शन आप डिफाइन कर दें इसी के अंदर, कॉन्स्टेंट गेट एरो फंक्शन, ठीक है। और सेक्शन तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ये डिसाइड करूंगा कि सेक्शन की टाइप क्या है, उस टाइप की बेसिस पे मैं आइकन सेलेक्ट करूंगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इफ सेक्शन डॉट टाइप इज सेडान, देन डू व्हाट, रिटर्न दिस आइकन सेडान। इसी तरह मेरे पास सेडान नहीं है, तो उसके बाद हैचबैक, देन आइकन है मेरे पास हैचबैक, एंड सो ऑन। मेरे पास कितनी एग्जांपल्स हैं इसकी, हैचबैक है, उसके बाद एसयूवी है, मोटरसाइकिल है, वैन है, एसयूवी मोटरसाइकिल वैन, ठीक है, एसयूवी और फाइनली वैन। और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या रेट, कुछ कुछ भी और जेनेरिक का रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, एक जेनेरिक सा सिंबल, जेनेरिक कार अगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो ये हमने एक फंक्शन लिख दिया, दिस शुड आइडियली वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। रिफ्रेश, रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को,
और यहाँ हम देख रहे हैं सीडान के लिए तो ठीक है। ओके नाउ यू कैन सी हैचबैक कार्स के लिए हैचबैक का आइकन आ गया, एसयूवी, मोटरसाइकिल एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने इमेजेस के साथ किस तरह से काम करना है ये हमने देखा। इसमें बाद में जाके हम एक और टॉपिक देखेंगे कि ये तो हम इमेज सारे वो हैं जो एसेट्स में रखे हुए हैं ना, अगर हम कोई डेटाबेस से फेच कर रहे हैं किसी जगह से या रेस्ट कॉल्स के थ्रू कहीं किसी भी और सोर्स से लेके आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं सीधा सीधा रिक्वायर के अंदर स्टैटिक इमेजेस की बात कर रहा हूँ, तो वो जब हम आगे देखेंगे रेस्ट एपीआई कैसे कंज्यूम करनी है उसमें ये टॉपिक भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो फिलहाल ये इमेजेस का टॉपिक ये हम कंक्लूड करते हैं, जाहिर हम इस पे आगे भी काम करते रहेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।